नमस्कार, ये है रेडियो पीटी और मैं हूँ आपके साथ पीटी यानी कि पारिजात त्रिपाठी। मेरे साथ है मेरे दोस्त क्रिकेट एक्सपर्ट दीपांश। दीपांश बताएंगे कौन है इस शर्मनाक हार का जिम्मेदार। बताइए, ये कल जो हुआ है ना, मुझे लगता है सदियां लग जाएंगी इस दर्द को भुलाने में। क्या कहते हैं दीपांश? बहुत शर्मनाक हार तो है एंड क्या कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी टारगेट था, 147 का टारगेट था, 3 दिन पूरे पड़े थे और कोई जल्दी नहीं थी किसी तरह। एग्जैक्टली, कोई जल्दी नहीं थी, 3 दिन पूरे थे आपके पास और आप 121 पे सिमट जाते हैं। कोई टॉप ऑर्डर में कोई नहीं चलता, बड़े बड़े नाम है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कोई नहीं चला। पंत अच्छा खेल रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो गए। स्पिन, जैसे हमने पहले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस किया, स्पिन अब हो चुकी है प्रॉब्लम इंडिया की। स्पिन ही नहीं खेल पा रहे, बेसिक स्पिन नहीं खेल पा रही इंडियन टीम। एजाज पटेल कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है, न्यूजीलैंड में उनकी एक भी विकेट नहीं है। न्यूजीलैंड में जितने भी मैचेस खेले उनमें 0 विकेट है और इंडिया आके वो गुच्छों में विकेट लेके जाते। पिछले दौरे पे जब न्यूजीलैंड आई थी वानखेड़े में, उन्होंने एक मैच में 10 विकेट लिए थे। तो इसका मतलब है कि इंडिया के टीम को उन्होंने बहुत बार थैंक यू बोला होगा बाद में मैच खत्म होने के बाद। बिल्कुल, इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडिया को ही चकमा दे रहे हैं अपनी स्पिन बॉलिंग से। पता नहीं स्पिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन गई। मैं बताता हूँ आपको, अगर आप मुझे मौका दे आप कंटिन्यू करिएगा प्लीज। मुझे लगता है थोड़ा सा लापरवाह हो गए हमारे हिंदुस्तानी खिलाड़ी। उन्हें लगता है कि अब तो हम वर्ल्ड के सुपरस्टार हैं क्रिकेट के, तो शायद अभ्यास में कमी। अभ्यास कर, पहले भी कई बार सुना था कि अभ्यास के समय कोई बड़ा सितारा नहीं पहुंचा, अगले दिन वो पहुंचे, तीसरे दिन वो नहीं थे। तो जो अभ्यास को जो हल्के में लिया जाता है ना, उसने क्रिकेट को हल्के में ले लिया, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत का हल्का कर दिया है। बिल्कुल, प्रैक्टिस की तो कमी है ही, डोमेस्टिक बहुत कम खेलते हैं। जो बड़े नेम्स हैं हमारी टीम के वो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं। सचिन हरियाणा के किसी गांव में जाके रणजी का मैच खेल के आते थे। ऐसा नहीं कि सचिन के शुरुआत में वो अपने करियर की शुरुआत में वो करते थे, जब अपने करियर के पीक पे थे, जब उनका करियर एंड होने वाला था तब भी वो किसी गाँव में जाके रणजी का मैच खेल के आते थे। वाह भाई, बहुत अच्छी आपने दीपांश बात करी। इससे पता चलता है कि बड़ा खिलाड़ी कौन होता है और कैसा होता है। कि 2 मैच की तो हार हो ही गई थी, इस मैच में इंडिया हमेशा टॉप पे था। बॉलिंग में इंडिया ने 250 के आसपास न्यूजीलैंड को ऑल आउट किया और कुछ 28 रन की दूसरी इनिंग में लीड बनाई, जो कमांडिंग पोजीशन में ले आती है इंडिया को। बड़ी लीड नहीं थी लेकिन फिर भी उससे न्यूजीलैंड हमें एक बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे पाई, 147 का ही दिया। 3 दिन थे हमारे पास लेकिन कोई नहीं चल पाया, उसका रीजन है शायद लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ फोकस। ये तो आपने बताया, ओवरऑल व्यू करते हुए आप जब देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो लैक ऑफ पेशेंस और लैक ऑफ क्या कहा आपने, फोकस, अटेंशन नहीं था उनका खेल पर। लेकिन हम आपसे एक सवाल अभी करने वाले हैं कि जो सवाल अभी कर देते हैं कि सबसे बड़ा जिम्मेदार, दूसरे मीडिया चैनल्स को देखे तो वो कहेंगे सबसे बड़ा खलनायक भारत की हार का। हम खलनायक नहीं कह रहे, हम जिम्मेदार कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने जान कर ना किया हो। अभी हम एक सवाल ये भी करने वाले हैं कि क्या सच में जान करके बुरा नहीं खेला है हमारे कुछ बड़े खिलाड़ियों ने, और अगर जान करके बुरा खेला है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। वो वजह भी शायद जो लोग सोच रहे होंगे वो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी दीपांश से मेरा प्रश्न ये है कि मैंने देखा जब ऋषभ पंत खेल रहे थे, एक बॉल जिस पर वो आउट हुए उसके एक बॉल पहले उन्होंने शायद चौका या छक्का लगाया था, उसके एक बॉल पहले आप जाइए तो वो आउट होने की अपील हुई थी, जिसमें पता चला कि नहीं उनका टच नहीं हुआ था, बैट टच हो गया था, वो पैड पे टच होकर के कैच नहीं हुआ था, कुछ ऐसा ही मामला था। लेकिन उसके बाद उन्होंने छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद फिर वो अजीबोगरीब शॉट खेलने, वो शॉट मैंने शायद किसी बड़े खिलाड़ी को इतना बुरा शॉट खेलते हुए नहीं देखा। तब मेरे मन में यह ख्याल आया, जितने भी लोग जो क्रिकेट को समझते हैं जानते हैं वो ये सोच रहे होंगे क्या जानबूझ करके पंत ने ये शॉट खेला। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उस बॉल पे अजीबोगरीब तरह से भागना और अजीब तरह से उसको एकदम से डिफेंसिव होकर के प्लेट कर देना जिससे कि कैच उठ जाए। अगर आप आगे आ रहे हो, फ्रंट फुट पे आ रहे हो, 2 कदम चल करके चहलकदमी करते हुए, तो आप छक्का मारोगे या शॉट मारोगे, आपने शॉट भी नहीं मारा एकदम से। ये गलती हो सकती है कि शायद वो डबल माइंडेड हो गए, वो जब आगे बढ़े तो छक्का मारने के लिए बढ़े लेकिन बॉल को अचानक उन्होंने देखा कि ये दूसरी बॉल है जो मुझे प्लेट करनी चाहिए, तो उन्होंने प्लेट किया लेकिन उसमें कंफ्यूजन जो हुआ उससे सारा गड़बड़ हुआ। इसमें मैं कहूंगा ये मुझे बहुत अजीब शंकास्पद स्थिति दिखती है। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंत भी जान करके आउट हुए हो। जान करके कोई आउट नहीं हुआ, पंत का खेलने का ही अंदाज कुछ इस तरह है, वो बहुत फियरलेस प्लेयर है। अगर एक जो बॉल को ज्यादा स्पिन हो जाती है और स्पिनर जो बॉलर है वो अपने आप को एकदम से राजा समझने लगता है, नेक्स्ट बॉल पे पंत खड़े होकर उसे
छक्का मार देते हैं उसका सारा जोश ठंडा करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हाँ बस मैं हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने यही किया और यहाँ भी वो हमेशा यही करते हैं और यही पंत की स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, यही तरीके का गेम प्ले पंत का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। तो उस बॉल में गलती क्या हुई दीपांश ये बताइए। गलती एक तो बहुत ज्यादा स्पिन हो रही थी, वो जैसे आपने बोला डबल माइंडेड हो गए, तो वो मारना तो एक लंबा शॉट चाहते थे लेकिन बॉल ज्यादा स्पिन होने के कारण उन्होंने रोकना चाहा। और जब रिव्यू लिया गया तो उसमें भी ये दिखाया जा रहा था कि जो बैट है वो पैड से पंत के टच हो रहा है, ना कि बॉल बैट से टच हो रही है। तो अंपायर के पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था ये बताने के लिए, थर्ड अंपायर के पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था कि क्या बॉल बैट पे लगी है या बैट पैड पे लगा है। तो जो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन था वो थर्ड अंपायर ने दिया, इसलिए पंत आउट हो गए। वो उन्होंने ब्रीफ डिस्कशन भी किया था अंपायर से कि मेरा बैट पैड पे टच हुआ है, लेकिन अब जब थर्ड अंपायर ने डिसीजन दे दिया तो डिसीजन दे दिया। जी हाँ, लगातार ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे बात आ रही है, लोगों में बहुत असंतोष है, खासतौर से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में। उन्होंने कहा कि बेईमानी से आउट किया है ऋषभ पंत को, और अगर इस बेईमानी से आउट नहीं करते तो हम लोग ये मैच जीतते और सीरीज तो हारते लेकिन इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं होती, और आगे के लिए हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही है उसमें हम बचे रहते, लेकिन वो भी सपना ध्वस्त हो गया। तो इसका असली जिम्मेदार थर्ड एम्पायर को माना जाए, एम्पायर ने क्या जानबूझ के गलत निर्णय लिया, आप मुझे बताइए बिल्कुल शुद्ध भाव से खिलाड़ी की दृष्टि से। अंपायर अब इसमें क्या बोले, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी फुटेज में जो बता सके। बाकी बात रहे कि अंपायर की गलती थी किसकी, गलती इंडियन टीम की, इंडियन बैटिंग लाइनअप। इतना छोटा टारगेट आपके पास 3 दिन है, आप नहीं चेस कर पाए, तो बैटिंग लाइनअप की गलती। आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलता का मतलब ये है कि पिन नहीं खेल पा रहे, टॉप क्लास बैट्समैन है हमारी बैटिंग लाइनअप पे, लेकिन पिछले कुछ सीरीज से देख रहे हैं हमेशा रन मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर ही बनाता है। अश्विन या जडेजा ही रन बनाते हैं, अक्षर पटेल रन बनाते हैं, टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है। तो टॉप ऑर्डर जो फेल होता है, आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग ऑफिस में अपना काम ढंग से नहीं करते तो बॉस हमको आके गले में माला पहना करके हमारा सम्मान करता है, कि हमें गालियां देता है, और अगर कंपनी का लॉस होता है तो क्या हमको प्रमोशन मिलता है कि डिमोशन होता है, क्या हमको निकाला नहीं जाता है? तो क्या अब ऐसा नहीं लगता कि इनको कुछ दिन आराम दिया जाए ताकि क्रिकेट को गंभीरता से लेना शुरू करे? जो तथाकथित बड़े खिलाड़ी हमारे विराट नाम है, हमारे यहाँ हिटमैन शर्मा है, तो क्या इनको थोड़ा सा पनिशमेंट, बाद में कहना बहुत आसान है कि मेरी जिंदगी का सबसे बेकार खेल था और मुझे बहुत अफसोस है, ये अफसोस काम नहीं करता। फेल्योर मीन्स फेल्योर, ठीक है, देयर इज नो रूम टू एनी एक्सप्लेनेशन। तो ऐसी स्थिति में क्या इन पर कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए दीपांश? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और इस रिलेटेड एक पॉइंट है कि बीसीसीआई के कुछ सोर्सेज हैं, ऑफिशियली एक तो न्यूज बाहर नहीं आई, खबरें बाहर आई हैं कि अगर डब्ल्यूटीसी फाइनल में इंडिया नहीं जाता है तो जो अगले साल 5 मैचों की सीरीज है इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस की, उसमें जो 4 बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया के, प्लेयरों के नाम डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन 4 बड़े प्लेयर्स बिग प्लेयर्स वो इंग्लैंड उस सीरीज में नहीं जाएंगे, वो खेलेंगे ही नहीं। तो ऐसा रेवलेशन बीसीसीआई के कुछ मीडिया डिपार्टमेंट से आया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। कोई बात की पुष्टि नहीं है तो हम कौन सा पुष्टि कर रहे हैं, हम भी तो वही बता रहे हैं जो अंदर से आ रहा है, आपके ऊपर है आप कितना सच माने। अब ऐसी एक बात है और हम कह रहे हैं जो हम पुष्टि करके कह रहे हैं, हमारे दीपांश बताएंगे कौन हो सकते हैं वो 4 बड़े नाम। 4 बड़े नाम बा ये तो पूरा पूरी दुनिया जानती है, लेकिन फिर भी कह रहे थे विराट कोहली, रोहित शर्मा, शायद अश्विन भी हो सकते हैं, मे बी जडेजा, लेकिन जडेजा अश्विन के लिए मैं थोड़ा अनसर्टेन हूँ क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी विराट कोहली और रोहित शर्मा बैटिंग में तो हाँ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, उनके आसपास जो प्लेयर्स हैं यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ये सब कंटिन्यूसली परफॉर्म करते आ रहे हैं। पिछली बांग्लादेश की सीरीज में भी उन्होंने परफॉर्म किया, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट 50s बनाई, और इंग्लैंड वाली जो सीरीज थी इस साल जनवरी में उसमें तो यशस्वी जायसवाल ने 200 मारी है। वाह, यशस्वी तो हमारा जायसवाल तो यशस्वी है, कोहली भले ही विराट ना हो सके आज, लेकिन जायसवाल यशस्वी है। एक बात बताइए, हमारे लिए, हम जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं या दर्शक हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं या क्रिकेट का एनालिसिस करते हैं, क्रिकेट के पत्रकार हैं, हम लोगों के लिए क्रिकेट मीन्स पेट्रियोटिज्म। जब मैच चलता है ना, हमारे ब्लड में ना धड़कनें तेज हो जाती है, हमारी ब्लड की गति बढ़ जाती है, ठीक है, धक धक होने लगता है कलेजा। तो हमारे लिए जो क्रिकेट पेट्रियोटिज्म है, तो इन खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट बिजनेस नहीं होना चाहिए? अगर पेट्रियोटिज्म नहीं है तो बिजनेस तो कम से कम हो जाए। बिजनेस मीन्स विक्ट्री, बिजनेस मीन्स मनी, आप हार करके पैसा नहीं कमा रहे देश के लिए। तो ऐसी स्थिति में सजा तो मुझे ये लगता है, जैसे दीपांश ने कहा और मेरी बात का समर्थन किया, मिलनी चाहिए। ये सजा नहीं है, ये भारतीय क्रिकेट के लिए कंपनसेशन है जो कि होना चाहिए। ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसके लिए कंपनसेशन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे कि
ओवरऑल टीम जिम्मेदार है जैसे दीपांश ने बताया। अब अगला हमारा जो सीरीज होने वाला है वो क्या है और उसमें कौन सी टीम जाएगी और उसमें क्या लगता है कि ऐसी नाक कटवा के आ जाएंगे या कुछ करके आएंगे। अगला जो बड़ा चैलेंज है वो है ऑस्ट्रेलिया, और पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो राइवलरी है वो बढ़ती गई है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। इंडिया पिछले दो बारी जब ऑस्ट्रेलिया गई दोनों बार ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है, और इस बार बहुत बड़ा चैलेंज है, 5 मैचों की सीरीज़ है और ये सीरीज़ डिसाइड करेगी इंडिया की WTC फाइनल में जगह। अगर इंडिया को WTC फाइनल में जाना है तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से हराना ही पड़ेगा। अगर नहीं हराती है तो बाकी टीम्स पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और अगर भले ही सीरीज़ हार जाए तो जहाँ तक है इंडिया का WTC फाइनल का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। देखिए इसमें तीन चैलेंज है, एक तो आप हार करके जा रहे हो क्रिकेट मैच खेलने, यानी कि आपका मनोबल पहले ही ध्वस्त है, तो आप अगला मैच जब खेलोगे तो गिरे हुए ढले हुए कंधों के साथ खेलोगे, आत्मविश्वास से तनकर मैदान में नहीं उतरोगे, तो उससे आपके ऊपर एक दबाव रहेगा, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं आ पाएगा ऑब्वियसली। सेकेंडली आप दूसरे के मैदान में खेलने जा रहे हो, दूसरे देश में दूसरे के मैदान में खेलने जा रहे हो, इसका भी दबाव रहेगा। थर्डली एक ऐसी टीम के खिलाफ खेलने जा रहे हो जो दुनिया में नंबर वन है, जो जीत के लिए ना सब कुछ कर गुजरने पर उतारू हो जाती है, ऐसी ऑस्ट्रेलिया ऐसे ऑसीज के साथ आप खेलने जाओगे तो आप 4 मैच जीतने आपको तब आप वर्ल्ड टेस्ट में कंटिन्यू कर पाओगे आगे बढ़ पाओगे, भाई साहब बड़ा मुश्किल है। क्या लगता है कि कितना आसान होगा भारत के लिए ये लक्ष्य? बिल्कुल आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंडियन टीम है, इंडियन टीम ने हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात, मजा आ गया सुन करके, मजा। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल जब हारी तो बहुत डाउन हो गए थे, लेकिन यही टीम T20 वर्ल्ड कप जीत के लाई। बहुत इंग्लैंड से 2022 के सेमीफाइनल में हम लोग 10 विकेट से हारे थे, इस वाले वर्ल्ड कप में बहुत बुरी तरह हराया इंग्लैंड को। ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल का बदला लिया, रोहित शर्मा ने एक ओवर मिचेल स्टार्क को 26 रन मारे, कुछ नहीं समझा मिचेल स्टार्क को, कुछ नहीं समझा, गजब गजब वाह। एंड स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है तो विराट कोहली एक अलग ही रूप में आ जाते हैं, जब जब ऑस्ट्रेलिया उनके सामने होती है वो रन बनाते हैं, और स्पेशली जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते तो हमेशा रन बनाते हैं, और एडिलेड के मैदान में तो एडिलेड तो उनके घर जैसे है। आपकी ये बात सुनकर दीपांश सच में बड़ी राहत मिल लगता है कि घाव भर गया, क्योंकि ये चोट लगी थी अभी भी हार की। मुझे लग रहा था कि हमने 12 साल का रिकॉर्ड नहीं टूटा है, 12 साल का हमारा दिल भी टूटा है, लेकिन अभी लग रहा है जैसे आप बता रहे 26 रन, जैसे रोहित शर्मा ने जी याद दिलाया सही आपने, तो लगता है कि उनके लिए भी उतना ही चुनौतीपूर्ण होगा जितना हमारे लिए, हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि हम हार के जा रहे हैं, 4 मैच जीते हैं। तो इस स्थिति में थैंक्स वेरी मच, जो आपने बात कही उससे मनोबल हमारा ऊँचा हो गया है, लगता है कि हाँ उम्मीद अभी जिंदा है। क्या कहते हैं आप लास्ट कमेंट के साथ? बिल्कुल जिंदा है, 100% जिंदा रहेगी, इंडियन टीम है, कभी नहीं हार मानती। बहुत बढ़िया, अगर ये एक स्पीड ब्रेकर आया था इसको क्रॉस करके अब मंजिल तक जाएंगी जी जी, और WTC फाइनल तक जरूर, मैं तो यही होप करूँगा, जाए लॉर्ड्स में खेले और जीते। वाह बहुत बढ़िया, आपने तो बिल्कुल आखिरी पड़ाव तक पहुंचा दिया हमारी टीम इंडिया को, बहुत धन्यवाद इस मनोबल को ऊंचा करने के लिए। और उनने जो कहा भी दीपांश ने, ये हवा में बात नहीं कि उन्होंने तथ्य प्रस्तुत करके बताया, भारत की टीम भी करो या मरो पर विश्वास रखते, डू और डाई वाला एटीट्यूड है भारत की टीम का। हम भी उम्मीद करते हैं सब अच्छा रहे, आप लोग इस मैच को ज़रूर देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ जो होने वाली है अगली सीरीज, और दिल थाम के देखिएगा, धड़कने बढ़ जाए तो काबू कर लीजिएगा। चलते हैं हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन हमेशा की तरह हम ये काम करेंगे आपको जो आप करते हैं मेरे कहने से, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।